गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट लेक्चर में जो हम पढ़े थे उसका लास्ट टॉपिक था प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स के मेनली दो पार्ट्स होते हैं, वो भी हमने पढ़ा था, क्लोरोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट में मेन डिफरेंस ये होता है कि क्लोरोप्लास्ट में ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है और क्रोमोप्लास्ट में ग्रीन कलर के अलावा बाकी सारे पिगमेंट्स होते हैं, जो जो फ्लावर्स होते हैं उनको या फिर लीव्स होते हैं उनको डिफरेंट शेड्स ऑफ कलर्स देने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्लोरोप्लास्ट फूड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और क्रोमोप्लास्ट डिफरेंट कलर्स किसी फ्लावर में जो होते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, फिर एक ल्यूकोप्लास्ट था। ल्यूकोप्लास्ट का काम, ल्यूकोप्लास्ट मतलब बेसिकली वो कलरलेस से वाइट कलर के बीच में होता है, ये कुछ स्टार्च वगैरह के स्टोरेज वगैरह में हेल्प करता है। ठीक है, ये उसका फिगर है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन है कि ऐसा करके कुछ दिखता है वो। ठीक है, फिर अब हम आगे बढ़ते हैं। ये क्लोरोप्लास्ट जहाँ पे भी होगा वो ग्रीन कलर का ही शेड वहाँ पे होगा, तो आपको क्लियरली ये समझ में आ जाता है कि क्लोरोप्लास्ट है या फिर क्रोमोप्लास्ट है। फिर आता है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स के बारे में हमने क्लास 8 में भी थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ था कि वैक्यूल साइज जो होता है एनिमल सेल में और प्लांट सेल में डिफरेंट होता है। एनिमल साइज़ में रिलेटिवली काफ़ी छोटा होता है और जो प्लांट सेल्स होते हैं उसमें रिलेटिवली बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं वैक्यूल साइज़। इसके बारे में कह रहा है कि वैक्यूल्स आर स्टोरेज सैक, वैक्यूल्स आर स्टोरेज सैक्स विच आर यूज्ड फॉर सॉलिड और लिक्विड मटेरियल्स, फॉर स्टोरेज ऑफ सॉलिड और लिक्विड मटेरियल्स। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि किसी भी तरह के जो मटेरियल्स होते हैं, चाहे वो सॉलिड हो या फिर लिक्विड हो, अगर उनकी स्टोरेज के बारे में बात आती है तो वो कहाँ पे स्टोर होगा, वो वैक्यूल्स में होगा, क्योंकि वो एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। सैक मतलब एक तरीके से झोला, बैग। ठीक है, फिर वैक्यूल्स और आर लार्ज एंड न्यूमरस इन प्लांट सेल्स। प्लांट सेल्स में वैक्यूल्स का साइज बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। दे आर स्मॉल और एब्सेंट इन एनिमल सेल्स। तो एनिमल सेल में तो हमने पहले ये जाना था कि जो एनिमल सेल में साइज़ छोटी होती है, लेकिन अब यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट मिलता है कि कुछ ऐसे भी एनिमल सेल्स हो सकते हैं जिनमें वैक्यूल प्रेजेंट ही ना हो, एब्सेंट हो। ठीक है, तो कुछ ऐसे एनिमल सेल्स होंगे जिनमें वैक्यूल्स होंगे तो सही, लेकिन उनका साइज़ काफ़ी छोटा होगा, या फिर उनमें एब्सेंट भी हो, ऐसा भी पॉसिबल है। ये वैक्यूल का विजुअल रिप्रेजेंटेशन है। मुझे लगता है कि अभी तक काफ़ी चीज़ें हमने सीख ली हैं। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी अपरेटस हो गया, फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स हो गए, और काफ़ी कुछ अभी मुझे लगता है कि ये हो गया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर का पूरा आपने ऑलमोस्ट पढ़ा ही हुआ है। ठीक है, तो काफ़ी हद तक हम जो है सेल को काफ़ी डिटेल में पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। वैक्यूल्स के बारे में आप ऐसा कर सकते हो कि यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा क्लियरली नहीं दिखा रहा है, तो आप ऐसा कर सकते हो, या फिर आप हमेशा ही अपने टेक्स्ट बुक को फॉलो करोगे। टेक्स्ट बुक में अगर बहुत अच्छे से वैक्यूल नहीं दिखा रहा है तो आप अपने रेफरेंस बुक में देखोगे, वहाँ पर शायद ज़्यादा अच्छा आपको मिल जाएगा। और फिर भी आपको ऑप्शन नहीं मिल रहा है कहीं, कुछ फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप जो हमेशा ही इंटरनेट पर जा सकते हो। उसमें कई सारे ऐसे वेबसाइट्स होते हैं जो 3D में सारी चीज़ों को समझाते हैं। तो 3D का जो रिप्रेजेंटेशन होता है उसमें विजुअली सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो पाती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेल वॉल के बारे में हमने मेरे ख्याल से क्लास 7 से ही हम पढ़ रहे हैं। तो सेल वॉल तो ऐसा है कि मतलब इसके बारे में पूरा अच्छे से आपको आइडिया लगा हुआ है। हमने एग्ज़ाम्पल लिया हुआ था एग का एग्ज़ाम्पल ये लिया था कि अगर हम एक कच्चा अंडा लेते हैं तो कच्चे अंडे में सबसे अंदर वाला पार्ट होता है वो न्यूक्लियस होता है, उसके ऊपर जो वाइट वाला पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। फिर उसके ऊपर जब आप एग शेल को निकालते हो, जब बॉयल हो जाता है, तो उसके अंदर एक बहुत पतली सी पन्नी होती है। ठीक है, उस पन्नी को क्या बोलेंगे, सेल मेम्ब्रेन। और जो सबसे ऊपर हार्ड शेल होता है उसको क्या बोलते हैं, सेल वॉल। ठीक है, तो सेल वॉल जो होता है, ज़रूरी नहीं कि सारे के सारे तरह के सेल्स में हो, कुछ सेल्स में मिलते हैं, कुछ सेल्स में नहीं मिलते हैं, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। सेल वॉल इज़ अ रिजिड आउटर कवरिंग आउटसाइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सेल वॉल। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है या फिर सेल मेम्ब्रेन,
उसके ऊपर वाला जो लेयर होता है, उसको कवर करने वाला जो लेयर होता है, उसको क्या बोलते हैं? सेल वॉल. इट इज़ फाउंड मेनली इन फंगी, बैक्टीरिया एंड प्लांट सेल. इट इज़ फाउंड मेनली इन फंगी, बैक्टीरिया एंड प्लांट सेल. इन प्लांट सेल वॉल इज़ मेड अप ऑफ सेलुलोज. तो सेलुलोज भी एक तरीके का एनर्जी प्रोवाइडिंग फूड होता है, ठीक है. तो सेल वॉल में एक ये भी डिफरेंस होता है एनिमल सेल और प्लांट सेल में, कि बहुत सारे एनिमल सेल्स होते हैं जिनमें सेल वॉल आपको नहीं मिलेगा, ठीक है. वैसे ये एक खास डिफरेंस नहीं है, तो इसको हम लेके नहीं चलेंगे रेफरेंस में. बस इतना जानो कि सेल वॉल किस में पाया जाता है. इट इज़ फाउंड मेनली इन फंगी, बैक्टीरिया एंड प्लांट सेल्स. बाकी एनिमल सेल्स में बहुत कम ये मिलते हैं, हो सकता हो मिलते ही ना हो. जो सबसे बड़ा सिंगल सेल्ड और कोई ऑर्गन होता है या ऑर्गेनिज्म होता है, वो क्या होता है? और जो ऑस्ट्रिच का एग होता है, ठीक है. तो ऑस्ट्रिच का जो एग है वो सबसे बड़ा सिंगल सेल्ड कोई ऑर्गेनिज्म एक तरीके का है जिसको हम देख सकते हैं, और जो सबसे बड़े साइज़ का होता है, ठीक है. तो ये इस पे भी एक क्वेश्चन बनता है, एक जीके का क्वेश्चन बनता है. ये अभी तक जो हमने पढ़ा है उनका पूरा एक तरीके से ब्रीफ में सारा दिया हुआ है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है वो न्यूक्लियस के को सराउंड कर रहा होता है. न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियोलस होता है, ठीक है. न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियस के काफ़ी अंदर होता है. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स होते हैं जिसमें दो तरह के होते हैं, एक तो रफ और एक स्मूथ. सेल मेम्ब्रेन सबसे बाहर होता है. फिर उसका गोल्जी अपरेटस होता है, जिसको गोल्जी अपरेटस भी बोलते हैं, गोल्जी बॉडी भी बोल सकते हैं, और सिर्फ गोल्जी भी बोल सकते हैं. न्यूक्लियस के बारे में हमने पढ़ा था. डीएनए अकर्स इन द न्यूक्लियस विद इन स्ट्रैंड्स ऑफ क्रोमेटिन. हमने क्रोमोसोम्स के बारे में पढ़ा था. क्रोमोसोम्स जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं एक पेरेंट्स से उनके ऑफिस स्प्रिंग्स में जो ट्रेड्स होते हैं उनको ट्रांसफ़र करने के लिए. इसका मतलब ये हुआ कि जैसे आपके अंदर बहुत सारे ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे जो आपकी मम्मी या आपके पापा से मैच करते होंगे, तो ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो उसको आपके पेरेंट्स से आपके अंदर कॉपी करने में हेल्प करते हैं. और यहाँ तक क्रोमोसोम्स ये भी डिसाइड करते हैं कि जो बच्चा है वो लड़का होगा या फिर लड़की होगी. फिर माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हमने पढ़ा था, लाइसोसोम्स के बारे में पढ़ा हुआ था, राइबोसोम्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है. साइटोप्लाज्म के बारे में हमने पढ़ाई हुआ था. साइटोप्लाज्म तो इसको भी हम क्लास 7 से पढ़ते आ रहे हैं कि जो भी फ्लूइड होता है सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच का जो फ्लूइड वाला पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म. तो यहाँ तक हमने तो सारा का सारा सेल के बारे में बहुत अच्छे से समझ लिया है, क्लियर हो गया है. और मुझे नहीं लगता है कि आगे से आपको इस चीज़ में कोई डाउट होगा. और ये अभी से अगर बहुत अच्छे से आपने पढ़ लिया, समझ लिया, तो आगे आने वाले क्लासेस में जब भी आप अगर आप मेडिकल फील्ड में घुसना चाह रहे हो तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है. तो ये एक तरीके से बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जो आप बायोलॉजी या फिर बॉटनी में जाने की कोशिश कर रहे हो उसका बिल्डिंग ब्लॉक है एक तरीके का. तो अगर बिल्डिंग ब्लॉक्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे तो बाद में इशू होगा. तो बिल्डिंग ब्लॉक्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, ठीक है. ये सेल वॉल का रिप्रेजेंटेशन है, ये किसी प्लांट सेल का ही दिख रहा है, ठीक है. फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में क्या कह रहा है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सिंपली मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, ये ऐसा इसमें लिखा हुआ है. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में कह रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल दैट सेपरेट्स द सेल फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होता तो फिर सेल्स जो होते हैं उनकी कोई बाउंड्री निर्धारित नहीं होती. सेल्स कहीं पर भी ऐसे फैले हुए होते हैं, उनका कहीं कुछ भी फिक्स नहीं होता. जैसे हम उसके बारे में हमने देखा था, एक वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है और एक अंडर डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स के बारे में, ठीक है. तो उसमें भी यही था कि अगर प्रोकैरियोट्स हैं तो वहाँ पे अच्छे से सारा कुछ डेवलपमेंट नहीं हो रहा है. तो जो न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस की बाउंड्री है, बाउंड्री उसका डिसाइडेड नहीं है, तो सारी चीज़ें बिल्कुल आपस में मिक्स्ड हैं, ठीक है. जो जब भी चीज़ें आपस में मिक्स होंगी तो उनका स्ट्रक्चर डिफाइंड नहीं होगा. स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए चीज़ों को सेपरेट होना, सभी का अपना अलग अलग फंक्शन प्री डिसाइडेड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है. और ये सारी चीज़ें डेवलपमेंट के साथ आती है. ऐसा नहीं कि पहला जो ऑर्गेनिज्म
क्रिएट हुआ रहा होगा, वो बिल्कुल परफेक्ट होगा, उसके अंदर सारी चीज़ें हो ही रही होंगी, ठीक है, सारे फंक्शंस प्रॉपर काम कर रहे होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं था। वो धीरे धीरे इवोल्यूशन होता है, फिर उसके बाद म्यूटेशन होता है। इवोल्यूशन के साथ है म्यूटेशन होता है, यही रीज़न है कि इवोल्यूशन हो पाया और ह्यूमंस क्रिएट हो पाए, ठीक है। जैसे शुरू के ह्यूमंस को अगर देखा जाए तो उनकी पूंछें हुआ करते थे, वो धीरे 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 करके वो चेंजेस आने लगे, क्योंकि कि जो है हमारे बॉडी को पता चलने लगा कि जो पूंछ होते हैं, टेल होता है, उसका कोई यूज़ नहीं है। तब उसका कोई अगर यूज़ नहीं है तो उसके रहने का कोई फ़ायदा नहीं। तो धीरे धीरे इवोल्यूशन के साथ में पूंछ गायब हो गई, ठीक है। तो सारा का सारा इवोल्यूशन बेस्ड सारी चीज़ें हैं। और अदरवाइज़ अगर आप कुछ रिलीजियस व्यूज में देखो तो हमें कुछ और ही पता चलता है, ठीक है। तो हमें जो फैक्ट्स हैं, जिसके पीछे प्रूफ है, उसको हमें थोड़ा फॉलो करना है, हमें रैशनली सोचना है, क्योंकि हम पढ़े लिखे लोग हैं। हमें कोई भी चीज़ अगर किसी ने पहले से बता दिया कि ये चीज़ लोग मानते हैं तो तुझे भी मानना है, तो वो गलत चीज़ है, ठीक है। अगर आपको मानना मानो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके पीछे का आपको रीज़न पता होना चाहिए कि आखिर क्यों मानते हैं, और वो रीज़न एक वैलिड रीज़न होना चाहिए, ठीक है। तो इसके बारे में क्या कह रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल दैट सेपरेट्स द सेल फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इट इज़ अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सेमी या फिर सेमी दोनों ही सही हैं। इट इज़ फ्लेक्सिबल एंड इज़ मेड अप ऑफ लिक्विड एंड प्रोटीन माइक्रोस्कोप। तो ये एक तरीके से पन्नी होती है, ठीक है। तो जहाँ पे भी मेम्ब्रेन के बारे में बात आती है, अगर आप प्याज की बात करो तो प्याज को कभी पील ऑफ करने की कोशिश करो, जो ऊपर वाला लेयर होता है उसमें एक बिल्कुल पन्नी के जैसा बिल्कुल पतला सा लेयर बाहर निकलता है, तो वो भी एक तरीके से उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। इट इज़ फ्लेक्सिबल एंड मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड लिक्विड्स एंड प्रोटीन्स, प्रोटीन माइक्रोस्कोप नहीं होना चाहिए, प्रोटीन्स होना चाहिए, ठीक है। इट्स फ्लेक्सिबिलिटी हेल्प द सेल्स टू इनगल्फ द फूड एंड अदर मटेरियल्स फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज एंड्राइटोसिस, फॉर एग्जाम्पल अमीबा। अच्छा, इसको ऐसे हम समझ सकते हैं, मेम्ब्रेन्स का कैसे जो वर्क है वो कैसे हमें समझ में आता है, वो हम ऐसे समझ सकते हैं, किशमिश अगर आप लोगे और किशमिश को पानी में डाल देते हो, तो किशमिश का जो ऊपर वाला लेयर होता है वो पन्नी जैसा ही कुछ स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब उसको किशमिश को अगर 4-5 घंटे के लिए आपने छोड़ दिया, तो किशमिश पूरा होकर पूरा फूल जाता है। कैसे फूला वो? उसके पीछे रीज़न ये था कि जो वो पन्नी थी, ठीक है, जो मेम्ब्रेन था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन था, या जो भी मेम्ब्रेन बोलो, जहाँ पे भी मेम्ब्रेन की बात आती है, वहाँ पे कोई पतला सा पन्नी का लेयर होता है जो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है। तो उस मेम्ब्रेन के थ्रू ही पानी अंदर जा पाया। अगर उस मेम्ब्रेन में स्पेस नहीं होता, छोटे छोटे बहुत टाइनी टाइनी होल्स नहीं होते, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, तो पानी अंदर नहीं जा पाता। सेम वे में अमीबा जो है अपना फूड इनटेक करता है, इनगल्फ करता है, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक सारा कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।